सर माफ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, माफ। जब मैंने तेरी जिंदगी में टांग नहीं अड़ाई तो तू मेरी जिंदगी में टांग क्यों अड़ा रहा है? आराम से नौकरी करते, पेंशन लेते, घर पर बैठते, मुझ पर केस करने की क्या जरूरत थी? बता मुझ पर तूने केस क्यों किया? बहुत बड़ी गलती हो गई सर। तुझे केस करने का बहुत शौक है ना? नहीं सर। अब मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, बस देख। ए पांडे, इस कुत्ते के टुकड़े टुकड़े करके चील को खिला दो। तेरे एग्जाम की तैयारी हो गई क्या? बोल रही हूँ एग्जाम के पहले मंदिर होके आ जाए। मैं भी यही बोलने वाली हूँ। अपनी आ रही है, देख दो। खड़े है ना, सब मवाली है। इसमें से वो लड़का दिख रहा है। अरे मैडम, पीछे मुड़के तो देख। चल निकल, स्कूल जाने में देर हो रही है, जल्दी चलो। जितना ज्यादा ध्यान दोगी ना उतना ही ये लोग पीछे लगेंगे। अच्छा सुनो, हम लोग यही बैठे हैं, शाम को मिलते हैं। जानकी, हाँ मैं अभी आई। अच्छा ये बता, तेरा प्यारा दुलारा बेटा कहाँ चला गया? तो प्रैक्टिस के लिए गया है, सुबह सुबह चला गया था। ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जो सुबह सुबह चला गया? मुझे लगता है हम लोग उसे ज्यादा लाड प्यार देकर बिगाड़ रहे हैं। क्या बिगाड़ रहे हैं? ऐसा क्या कर लिया मेरे बेटे ने? क्या किया? उसकी उम्र के सारे दोस्त अपनी पढ़ाई खत्म करके नौकरी ढूंढ रहे हैं, और एक अपना बेटा। इतना ही नहीं, तुम्हारी जिद थी कि उसे बाइक दिला दो, बाइक दिला दो, और मैंने लोन लेकर उसे बाइक भी दिला दी। लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक भी दिन उसने अपनी बाइक पर बैठाकर पूरे गांव में आज तक उसने एक बार भी चक्कर लगवाया है क्या? अपने बेटे से इतनी सी उम्मीद रखना भी क्या गलत है जानकी? अरे रे 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 रे। वो देख भाग्यवान, मेरे घर की महालक्ष्मी। एक समय था जब टकाटक पूरे गांव में मुझे घुमाया करती थी, लेकिन आज तेरे बेटे की वजह से इसमें हवा भरवाने लायक भी मेरे पास पैसे नहीं है। एक तो 60 के हो गए हो, खुद चल पाते नहीं हो, किसने कहा पूरे गांव में घूमो? खबरदार जो मेरे बेटे के बारे में तुमने एक शब्द भी बोला तो, जब देखो मेरे बेटे के पीछे ही पड़े रहते हो। अरे भाग्यवान, मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया जो मुझे काटने को दौड़ रही हो? अरे मैं तो कहता हूँ जिस घर में ऐसा बेटा होता है वहाँ पर ऐसी ही हालत होती है। जी सुनिए तो। अरे बोलो भाग्यवान, तुम्हें क्या चाहिए? मैं कुछ पूछूं? सच सच बताएंगे ना? हाँ? गुस्सा तो नहीं करेंगे? अरे ऐसे कैसे कह रही हो मेरी प्यारी भाग्यवान, मेरी लक्ष्मी, मेरी जानू। अच्छा तो फिर ये बताइए। अरे पूछो मेरी कुचुकू। अच्छा हा? ये बताइए, आपकी नौकरी को और कितने साल बचे हैं? अच्छा नौकरी को? अरे भाग्यवान, मेरी नौकरी के 3 साल बचे हैं। 3 साल बचे हैं ना, तो उसके बाद सोचेंगे, बेटे को भी नौकरी मिल जाएगी। आप अपने काम धाम के बारे में सोचिए, फालतू की बात करते रहते हो। ये जो बोलेगी वो सुनना तो पड़ेगा, नहीं तो मुझे खाना कौन देगा? अरे कैसे बॉल डाल रहा है, ऐसे डालते हैं क्या? चल 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 चल, भाग 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 भाग। हाँ इधर 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 पे। हाँ अरे बस एक बस एक। हाँ इधर इधर। हाँ इधर पकड़ 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 बॉल पकड़। एक से ज़्यादा नहीं, एक से ज़्यादा नहीं। कैच भी नहीं पकड़ पाया। इस बॉल पर पक्का तुझे आउट करूँगा। ए आउट 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 ए आउट 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 नहीं है, आउट नहीं है, सुन सुन आउट नहीं है, नो बॉल। ऐसे कैसे आउट नहीं है? ए आउट है, ए आउट नहीं है, नहीं 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 नहीं। ऐसे क्यों देख रही है यार? तुम लोगों का अच्छा है, सब लोग एग्जाम में एक एक बुक लेकर आते हो और सब मेरे बैग में डाल देते हो। मैं पागल हूँ जो सब लोगों की बुक संभालू? राजू देख, प्यारी प्यारी परियां आ गई।
अरे मेरे भाई, ये साइकिल कितनी खुश नसीब है। काश इस साइकिल की जगह मैं होता। ये बात है, जब जब मैं इसको देखता हूँ तब तब मुझे कुछ कुछ क्यों होता है। ऐसी बात की ना तो चप्पल खाएगा। शक्ल देख अपनी। शक्ल में क्या रखा है जाने मान? गलत क्या कहा? अपनी औकात में रहना। देखा, बोला उसे और गुस्सा इसे आ रहा है। तूने बिल्कुल सही किया, अब ये हमें नहीं छेड़ेंगे। मेरे अंदर को पता है ये क्या किया, गांव में दिखाई भी नहीं देगा। ये रहे भाई। खाओ बेटा, खाओ खाओ, बाप का माल है, खाते जाओ। कमाने के लिए घर पे बाप तो बैठा ही है। पता है तेरी उम्र में मैं कितना काम करता था? बेटा, तेरी उम्र के सारे लड़के आज पढ़ लिख करके अच्छा काम कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, सुखी सुखी जीवन जी रहे हैं। तुझे नहीं लगता कि तुझे कुछ फिर से शुरू हो गए क्या? और कुछ सोचता नहीं आपको? आप कैसे बाप हो जब देखो मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हो? वो क्या है न जानकी, पूरे गांव में सिर्फ तेरा ही तो बेटा है जो दूध का दिला हुआ है। तो क्या आप जैसा निकलेगा? मेरा बेटा कितना थका हुआ लग रहा है। जा बेटा अंदर जा, तेरे लिए खाना रखा खा है। लेता बेटा हूं। पेट भर के खा लेना। हाँ। सुनो ना जानकी, जानू जानू, थोड़ा खाना आज मुझे भी मिलेगा क्या? हटो, ये हाथ सलामत है ना, खुद ही बना लो। मालिक, अरे ओ मालिक, चाय लाया हूँ आपके लिए, उठ जाइए। ये लीजिए, चाय लीजिए। आपका शुभ नाम खाली राम है, इस दुकान का भी नाम खाली राम है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी दुकान भी खाली हो जाए। अच्छा, तो ये बताओ सुबह से कितनी चाय बिकी है? 8 चाय। 8 चाय बिकी है क्या? 4 आपने पी और 4 मैंने पी। तो सुबह से कुछ नहीं हुआ? कैसे होगा मालिक, जैसे आपकी शादी नहीं हो रही वैसे आपका धंधा नहीं चल रहा। दोनों हो जाएगा। नमस्कार। आइए 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 आइए। क्वारी टेंडर की शुरुआत हो रही है 3 लाख से। 5 लाख। 5 लाख। 10 लाख। 10 लाख। 15 लाख। हाँ भाई लोग, 15 लाख। 25 लाख। 30 लाख। 30 लाख। 40 लाख। 40 लाख। एक मिनट रुको। हाँ बोल, क्या बात है? ये क्या चल रहा है? वो मेरे पास आया था। ये क्या तरीका है सर? इन्हीं को दे देते हैं। हाँ हाँ ठीक है, दे दो। ठीक है सर, फाइनल करा। 40 लाख है वो हो जाएगा। 40 लाख दो, मैं हूँ। 40 लाख दे, सब करवा दूंगा। हाँ अब शुरू करो रे। शुरू करो क्या, अब सब खत्म हो गया? आप अपने आप को समझते क्या है? यहाँ पे फोन करने के लिए आए थे क्या? खत्म हो गया, चलिए चलिए निकलिए यहाँ से। चलो सब कुछ बाइंड अप करो। ठीक है सर, आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, तो अब हम चलते हैं। चलो रे, चलो चलो। अरे ओ पांडे, तू टेंशन क्यों ले रहा है यार? मैं उस ऑफिसर को छोड़ूंगा नहीं, उसकी हिम्मत कैसी हुई हमारा टेंडर किसी और को देने की। क्या भी भाई। जाने दे जाने दे, अपने गुस्से को सही जगह इस्तेमाल करना सीख छोटे। ला सिगरेट दे। ये है ऑफिसर। शिवा,
तुझे पता नहीं है तूने किसको उठाया है? मत भूल कि मैं एक सरकारी ऑफिसर हूँ, तू गलत कर रहा है। तेरी तो, जब तू अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था मैंने कुछ बोला क्या? तो अब मुझे मेरी जिम्मेदारी निभाने दो, क्या बोलते हो? हम तो वहाँ से हंसते हंसते निकले थे। हाँ भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो। पर ये तो बहुत टेंशन ले रहा है यार, कुछ करना पड़ेगा इसका। ऐसे टेंशन लेगा तो बचे हुए बाल भी नहीं बचेंगे, इतना टेंशन मत ले यार। भाई लोडिंग के लिए लकड़ी कम पड़ रही है, लॉरी खड़ी है। लकड़ी कम पड़ रही है तो इसको ले जा। ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? लकड़ियाँ कम पड़ रही है, लोडिंग करनी है, जाओ इसको लेकर। जाओ लेके जाओ इसको, लेके जाओ। ए पिंटू, अपना परिमल कहाँ चला गया? अरे कहीं गया होगा इधर उधर। अरे इसने बोला था वो यहाँ आएगा। पता नहीं कहाँ रह गया यार, बोला है तो जरूर आएगा। अरे क्या लड़का है? ओ गधे, आंखें क्या पैरों में लगा रखी है, दिखता नहीं है तुझे? अरे अरे, अरे, अरे भाई, अंधा हो गया क्या? ये अच्छा है। ओए उसे अंधा क्यों बोल रही हो? तुम लोग क्या कम हो? रोड पे तो ऐसे चल रही थी जैसे अपने बाप की रोड। ओए हम तो सीधे ही आ रहे थे, तुम्हारा ही दोस्त सामने से आके टकरा गया। जब चलानी नहीं आती तो किसने कहा था साइकिल चलाने के लिए? इसी दोस्त ने। हाँ, हाँ। मुझे पता था इसके पीछे इस लड़के का ही हाथ हो सकता है, बढ़ाया पैरवी करने वाला। ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, देखा भाई लोग, दिखती है पिद्दी सी और बातें इतनी बड़ी बड़ी। राई का पहाड़ बनाना तो कोई इससे सीखे। क्यों चपड़ गंजो? ए तू बोलने के भाई, जो तू समझ रहा है अगर तक क्या समझ रहा है? अरे क्या लगा लेगा कि मैं चुप हो जाऊंगी? ठीक है जा। यार दोस्त तो तेरे जैसा हो। इधर आ। अबे घनचक्कर, तेरी वजह से मेरी बेइज्जती हो गई। अबे चल। सॉरी यार। हाँ ठीक है चल। चलो भाई। क्यों मणि, कैसे हो? घर पे सब ठीक है ना? ऑफिसर कहाँ है? क्या ऑफिसर? जला दिया। जला दिया? उसे जहाँ पहुँचाया है ना, वहाँ तुझे पहुँचाने में मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। जो 5 मिनट में काम करता है ना, वो मैं 1 मिनट में करता हूँ। ओए 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 ओए, तुझे मैंने सिखाया और तू मुझे ही बता रहा है। तुझे पता है मैं अपने पे आता हूँ तो क्या क्या करता हूँ? बात को यहीं पे खत्म कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लड़को, इसने कहा ना बात खत्म कर, खत्म कर दो इसे। अवेरी बोली ना। आ? इस काली चाय को ये गुलाबी दूध कहाँ से मिल गया? आ? अभी बताता हूँ। मेरी शोना, ये बताओ कि ऐसे हम लोग कब तक मिलते रहेंगे? जल्दी से मेरे घर आके शादी की बात करो, समझेगी नहीं? आऊंगा ना, बिल्कुल आऊंगा। भाई बहुत दिन से एक बात पूछनी थी। पूछो। शिवा से आपका क्या झगड़ा है? शुरू से मैं और शिवा एक ही साथ काम करते थे, उसकी हर प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर देता था, और एक केस में वो मुझे फंसा कर निकल गया। तब से हम दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। वो मुझे मारना चाहता है और मैं उसे, जो भी होगा देखते हैं। भाई हम आपके साथ हमेशा हैं, जब बोलोगे हम उसे उठा लेंगे। अरे ये रास्ते में पत्थर किसने रख दिए? देखो तो। ओए भाई आप रुको, मैं देखता हूँ। हटा दे जल्दी से, जा 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 जल्दी हटा। हटाता हूँ हटाता। हाँ रख दे। अरे बड़े बड़े पत्थर उठा सकते हैं, ये क्या चीज है? हाँ, हाँ। भैया कुछ चोट तो नहीं लगी ना? नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ए तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? बोलो। हाँ बोलो बोलो। हम लोग फिल्म देखकर आ रहे थे। अच्छा फिल्म देख के आ रहे थे, चलो चलो घर जाओ। ठीक है भाई। एक काम करो, ये पत्थर भी हटा दो। ठीक है भाई। पत्थर साइड में डाल दो। ए शक्ति चल गाड़ी निकाल। हाँ हाँ भाई निकालता हूँ। भाई ये शिवा का ही काम है, उसे खत्म करना ही पड़ेगा भाई। हाँ ठीक है देखते हैं। ए पांडे हाँ। इन सब को मार। ए, 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 ए,
बेवकूफ कहीं के, तुम लोग आठ लोग होके भी मार खा के आ गए, किसी कर्म लायक नहीं हो तुम लोग। भाई हम तो मारने ही गए थे। चलो करे, चार लड़के आए और हमारा काम खराब कर दिया। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता, तुम लोग क्या करोगे कैसे करोगे मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसे खत्म करना है, किसी भी हाल में खत्म करो उसे। भाई मैं कर दूंगा, काम होना ही चाहिए, चल निकल। जी भाई। ए पांडे। जी भाई। मणि का काम खत्म, उसे ऊपर जाना ही होगा। ए भाई रुकना, जाने देना उसे। ए जा, ये गाड़ी कैसे चला रहा है? जाने दे, गया ना वो, लग रहा है पी के चला रहा है। चलना, तू अपना गुस्सा शांत कर, चल आगे। मरेगा साला। चल तू निकल। आज क्लास कितनी बोरिंग थी ना यार। हाँ यार आज तो मैं सच में पक गई। अरे अरे संभाल के मीना, मीना तो ठीक तो है ना? चलो चलो जल्दी उठा के देखो। ए उठाओ उठाओ उठाओ, चलो 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 चलो। कहाँ भाग रहा है? ए रुक, रुको, पहले इसको लेकर चलते हैं हॉस्पिटल। दिखाओ दिखाओ जरा, ज्यादा गाड़ी पे बैठा, उसे हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं इसके घर पर बताता हूँ। ये ले। मुझे नहीं खाना। क्यों क्यों नहीं खाना? ज्यादा बकवास मत कर वरना एक दूंगी, चल खा ले। मना किया ना? मना करने से क्या होगा, खाना तो पड़ेगा ही। एक तो तुम्हारी पहले से तबीयत खराब है, शरीर को ताकत की जरूरत है, चलो। नहीं जीजा जी, रहने दीजिए ना। जीजा जी की बात मानोगे कि नहीं? सुनो, देखो बच्ची खाना कैसे खाएगी। तुम ठीक रहोगी तो हमें भी सुकून मिलेगा, समझी कि नहीं? जब हमारी शादी हुई तो तुम सिर्फ 2 साल के थे, शादी को 6 महीने हुए नहीं थे और तुम्हारे मम्मी पापा का देहांत हो गया। इसकी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई और तुम्हारे इस पे। तुमने कभी परायापन ना महसूस हो इसलिए हमने कभी बच्चे के बारे में सोचा ही नहीं और तुम्हें अपना बच्चा मान लिया। रो क्यों रही हो बेटा, तुम हमारी बेटी हो, हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उस दिन तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सुन के मेरी तो जान ही निकल गई थी। सुनिए, वो बच्ची बीमार है और पता नहीं आप क्या क्या बातें कर रहे हैं। चलो मुंह खोलो, जाओ जाके मुंह धो लो और दवा भी ले लो। ए पांडे। हाँ। क्या यार आज क्या हो रहा है? क्या हुआ? कितना भी पियो नशा ही नहीं चढ़ रहा, लगता है हमें शराब की फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, और कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। यहाँ जा, यहाँ यहाँ बैठ, बैठ मेरे पास, बैठ जा। तुम उसे कुछ बात करना चाहता था ना? हाँ भाई, मणि आपके पैरों तले दबा रहे उसका एक अच्छा रास्ता है मेरे पास। मणि? हाँ भाई। पैरों तले? हाँ। बोलना। अरे 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 चिंता मत कर, मुझे चढ़ी नहीं है, तू बोल। भाई सुना है वो अपनी साली को बेटी की तरह पालता है। ये तो पूरा गांव जानता है। वो तो है भाई, लेकिन अगर उसकी साली की शादी आपके बेटे से कर दी जाए तो? किससे? मेरे बेटे से। हाँ हाँ आपके बेटे से। हाँ अगर दोनों की शादी हो गई तो हमेशा आपके पैरों तले दबा रहेगा। मेरे पैरों पे रहेगा? हाँ भाई आपके पैरों पे रहेगा। लेकिन कैसे? लड़की वाले थोड़ी ना सीना तान के रहते हैं, उनको तो झुकना ही पड़ता है ना? पांडे तुम सही कह रहे हो। वही तो भाई, ये बहुत अच्छी रीत है हमारे समाज की कि लड़की वाले झुके ही रहते हैं। जा 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 जल्दी जा और बात कर गया। ए पांडे इधर आना। हाँ। अरे कहाँ जा रहे हो? बात करने के लिए भाई। इतनी रात को बात करने जाओगे? हाँ। रिश्ते की बात कर रहे हो, कल सुबह जाना। अच्छा, अभी जाके आराम। ऑल बॉयज टेक योर ड्रिंक, गुड नाइट। अब चैनल क्यों चेंज कर रहे हो? अभी थोड़ी देर में सीरियल खत्म हो जाने वाला है बेटा। अरे माँ ऐसे सीरियल में रखा ही क्या है? अरे पागल, एक बार सीरियल तो देख तब तुझे पता चलेगा। अरे माँ एक नया चैनल शुरू हुआ है जिसपे बहुत अच्छा सीरियल आता है, तू भी देख। नए चैनल पर? ओह एंटरटेनमेंट चल रहा है क्या? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? दोनों माँ बेटे बैठ कर यहाँ पर मस्त टीवी देख रहे हैं, ये नहीं कि थोड़ा काम के बारे में सोच लें। हो गई शुरुआत। एक तो तू काम पर जाना नहीं चाहता और एक तेरी माँ जो तुझे काम पर भेजना ही नहीं चाहती। लो आ गया एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर।
हंस ले बेटा हंस ले, तू भी अपनी माँ के ही पच्चीनों पे चल रहा है, मैं तेरा बाप हूँ बेटा, थोड़ी तो इज्जत कर ले। हाँ करूंगा करूंगा। अब सुन, वो मणि भाई है ना, उनसे तेरे काम के लिए मैंने बात की है, कल सुबह जाके मिलना। मेरी बात सुनाई दे रही है कि नहीं? बहरा हो गया है क्या तू? हाँ हाँ जाऊंगा मेरे बाप। ये ज्योतिषी सही तो बताएगा ना? कैसी बात कर रहे हैं भाई, इसके दादा ज्योतिष शास्त्र में प्रकांड पंडित थे। यही नहीं, इनके पिताजी भी बहुत बड़े ज्ञानी थे। हाँ ये सही बोल रहा है, ये ज्योतिष शास्त्र का महाज्ञानी है। सही, एकदम सही कह रहा है। ये जो बगल में बैठे हैं ना, इनकी तो भविष्यवाणी सच होती ही होती है। विद्वान, प्रकांड विद्वान, क्या ये क्या है यार, कहीं तू मुझे फंसा तो नहीं रहा? चुप हो जाओ, कैसी बातें कर रहे हो, तुम जानते हो उनके बारे में? कमलासन को पॉलिटिक्स में लाने वाला कौन है? कौन है? अरे यही है, रजनीकांत को पॉलिटिक्स में ना आने के लिए किसने मना किया? इन्होंने। क्या बात कर रहे हो यार? अरे इतना ही नहीं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी कुछ करने से पहले इनसे पूछते हैं। अरे पॉलिटिशियन के बारे में मुझे क्या लेने देना, मेरी शादी के बारे में सोचो। आ गया भैया, शादी का योग आ गया। अरे ये कुंडली योग छोड़ो, ये बताओ मेरे भाई ने जिससे प्यार किया उसी से शादी होगी ना? अरे भाई उसी में दिक्कत है। अरे शादी होगी तो दिक्कत तो होगी ना, अरे इसकी तो मालिक को आदत है। अरे भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अरे भाई को काल सर्प दोष है, उसका निवारण करना पड़ेगा। शादी करनी ही है तो एक मांगलिक लड़की से शादी करो, यही अच्छा होगा। बात ये है कि इसकी कुंडली ग्रह दोष से भरी है। ग्रह दोष है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ भाई बहुत खतरनाक ग्रह दोष है, अगर ये किसी और लड़की से शादी करेगा तो ये। अरे महाराज जी, मेरा भाई तो उससे बहुत प्यार करता है। उस लड़की को बहुत खतरा है भाई। हा? और कोई उपाय नहीं है महाराज जी। ना, इसका उपाय बहुत सरल है, जो लड़की एक दो दिन में मरने वाली है उससे इसकी शादी करवा दो, फिर वो मर जाएगी और आपका भी काम हो जाएगा। उस लड़की के मरने के बाद दसवें दिन जिस लड़की से तुम चाहो शादी कर लेना, ठीक है? 48 दिन में जिस शादी करनी है, मुझे ये बताओ एक दो दिन में मरने वाली लड़की कहाँ मिलेगी? वो भी है भैया, वो भी है। एक लड़की है जो हमेशा बीमार रहती है और उसकी जान शादी में ही अटकी हुई है, दोनों का काम हो जाएगा। उसके गले में मंगलसूत्र डालते ही आपके कुंडली का दोष खत्म हो जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा। भाई मानने में कोई हर्ज नहीं है। सही बोल रहे हैं, कर दीजिए। मान लीजिए मेरे भाई, मेरा दोस्त प्यार के लिए समंदर भी लांग सकता है। अब हाँ कह भी दो भाई। हाँ हाँ, आप चुपचाप हाँ कह दो मालिक, लग प्यार में ताजमहल बना देते हैं। आप एक शादी के लिए हाँ नहीं कह सकते, बता? ठीक है, अब हम लड़की के घर जाएंगे और शादी की बात पक्की करेंगे। हो गया आपका काम। ये जिंदगी का रस है, ये जिंदगी का रस है, पीले दरा बात मेरी मान, सुन लो मेरी ये बात, इसमें जो नशा है अरे वो किसी और में है कहाँ। जिंदगी का रस है ये, जिंदगी का रस है ये, पी ले जरा बात मेरी मान, सुन तो बात मेरी मान, इसमें जो नशा है और किसी में है कहाँ, जाम को उठा के अपने होंठ को लगा, क्वार्टर भी चलेगी, क्वार्टर भी चलेगी, इसे पीके दिल झूम के गाएगा, सच में दिल गाएगा, ना लेफ्ट समझता है उसे राइट समझता, झूमना है तो इसे जरा चूमना, अरे जिंदगी का रस है ये, पीले जरा बात मेरी मान, मेरे यार सुन तो बात मेरी मान, इसमें जो नशा है और किसी में और कहा, इस जाम को उठा अपने होंठों को लगा, Thank you.
असली मजा इसे पीने में है, मौज करने में और मजे लेने में है। शराबियों का ये मंदिर है, दीन भी है और ईमान भी है। पी के तुम अपने होश तो गवाओ ना, थोड़ा थोड़ा लेके तुम मन को बहलाओ ना। ये तो अपना साथ ना छोड़ेगी, इसे पी के जबान सच बोलेगी। सारी खुशियाँ इसको पीने में है, इसे पी के जवानी जीने में है। सारी खुशियाँ इसको पीने में है, इसे पी के जवानी जीने में है। जिने के गरज है ये पीले, जरा बात मेरी मान। अरे यार तो बात मेरी मान, इसमें जो नशा है किसी और में कहा। जाम को उठा के अपने होंठ को लगा, बैठ के यहाँ पे आराम से पियो ना, दिल को अपने बिंदा से हल्का करो ना। हंसू गाओ मिल के पिया करो, जाम के दो घूंट लगाओ यारो। पी के अपने होश तुम तो गवाओ ना, थोड़ा थोड़ा लेके मन को बहलाओ ना। ये तो अपना साथ न छोड़ेगी, इसे पी के जब सच बोलेगी। सारी खुशियाँ इसको पीने में है, इसे पी के जवानी जीने में है। सारी खुशियाँ इसको पीने में है, इसे पी के जवानी जीने में है। जिंदगी का रस है ये, जिंदगी का रस है ये, पी ले जरा बात मेरी मान। तो बात मेरी मान, इसमें जो नशा है किसी और में कहा। जाम को उठा के अपने होंठ को लगा, सारी खुशियाँ इसको पीने में है, इसे पी के जवानी जीने में है। सारी खुशियाँ इसको पीने में है, इसे पी के जवानी जीने में है। भाई ने मुझे खुशखबरी देने के लिए भेजा है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। शादी के समय देखा था इन्हें। भाभी जी एक गिलास पानी तो पिला दीजिए। अभी लेके आती हूँ। यहाँ क्यों आए हो? भाई का लड़का विदेश से पढ़ाई पूरी करके आ रहा है, तो भाई ने अपने बेटे की शादी आपकी साली के साथ तय कर दी। बस आपसे ये पूछना था कि मुहूर्त आप निकलवाएंगे या भाई से बात करो निकलवाने के लिए। फैसला आपके हाथ में। लीजिए पानी। हाँ लाइए। तू अंदर जा, चलो उड़ जा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? अगर ये बात तेरे भाई ने की होती तो वहीं सिर काट देता, लेकिन यहाँ तू आया है इसीलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। निकल जा यहाँ से, निकल। घर है मेहमान से ऐसे कोई बात करता है? शुक्र मान के सिर्फ बात तेरे से कर रहा हूँ, गला नहीं काटा। अभी भी सोच लो, समय हाथ से गया नहीं है। चलाट, मैं सोच के ही बात करता हूँ, निकल। भाई की सटक गई ना तो वो तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, तू तो मरेगा ही और तेरे साथ तेरे परिवार को भी उठा कर ले जाएंगे। समझ तो मरेगा। चलाट दिखा, दिखा अभी दिखा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा तुझे। चलाट निकल यहाँ से। ए पांडे, क्या क्या बोला क्या वो? क्या भाई, उसने मुझे इतनी गालियाँ दी, इतनी बेइज्जती की, उसके बाद भी आपको अपनी बेटे की शादी की पड़ी है? मुझे मालूम था वो ऐसा ही बोलेगा। बता तूने क्या जवाब दिया? मैंने बोला मैं लड़की को उठवा लूंगा। तूने बिल्कुल ठीक किया। चल लड़की उठानी है ना, चलो 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 चलो। सुनो भैया, भाई से मिलना है। वो देखो आ रहे हैं। नमस्ते भाई, पापा ने कहा था आपसे काम के सिलसिले में मिलने के लिए। अच्छा तो तुम ही हो? पहले ये बताओ कि तुमने पढ़ाई कहाँ तक की? ग्रेजुएट हूँ। कहाँ तक? बीकॉम। बीकॉम। ठीक है, आठवीं पास हुआ या नहीं? इसे क्या बोलूँ। हाँ कर लिया, कर लिया। क्या कर लिया, पास हुए या फेल? पास पास। भाई इसे काम पर रख लेना। ठीक है अभी चलो। भाई मीना घर पर है? हाँ हाँ। ठीक है मैं उनसे जाके मिल लेता हूँ। हाँ ठीक है जा। मीना
कौन है? मीना। अरे तुम? मीना नहीं है दीदी, अभी तो यही थी, शायद बगीचे में होगी। उस दिन तुमने मेरे सिंदूर को बचाया, फिर मेरी बहन को बचाया, अब इसका एहसान मैं कैसे चुका मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सुनो मीना, देखो शरद तुमसे मिलने आए हैं। मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे काम है। ठीक है? ठीक है दीदी, मैं मीना से बाहर ही मिल लेता हूँ। ए, वहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ। क्या यार, इतनी देर से बुला रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? आज अजी पक्का हमें फंसाएगा। मीना बगीचे में है, चलो उसे मिलके आते हैं। अभी पागल हो गया क्या? भाई इसका दिमाग खराब हो गया। तो चलो ना। ए शरद, उससे मिलना जरूरी है क्या? तू कैसी बात कर रहा है यार, एक तो हमने उसकी जान बचाई, तो क्या हम उससे मिल भी नहीं सकते क्या? हम तेरे सामने हाथ जोड़ते हैं, तुझे मिलना है, तू जाके मिल। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। इसे जाने दो यार, सुधरेगा नहीं। मीना, अब दर्द कम है? ध्यान रहे, सर गीला मत करना। सुनो, दवाइयाँ टाइम से ले रही हो ना? ए मोटू, खा के देख रहा पेट कैसा बढ़ गया। चल चल। अबे तू उसके पेट को छोड़, उसको देख। उसके बाप ने खिला खिला के कितना मोटा कर दिया। बात सही कह रहे तू। क्या यार मीना, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम यहाँ चुपचाप खड़ी हो। सॉरी। सॉरी किस लिए? वो उस दिन मैंने तुम्हें इतना भला बुरा कह दिया था ना, उस बात के। अरे अरे अरे, मैंने तो सिर्फ तुमसे बात करने के लिए कहा था, तुम मुझे सॉरी वरी सब क्या बोलने लगे। मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ, मैंने तुम्हें इतना भला बुरा कहा लेकिन तुमने फिर भी मेरी मदद की। ए, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चल रहा है यार, ये बहुत पका रहा है। अब इन लोग का नाटक तो चलता रहेगा, चल घर पे चल के खाना खा लिया। सॉरी तो मैं तभी मानूंगा जब तुम यहाँ आके बात करो। और पास आओ। हाँ, और पास आओ, हाथ मिलाओ, चलो हाथ मिलाओ। चलो अब मैं चलता हूँ। शरद, तुम्हारे दोस्त वहाँ पे क्यों खड़े हैं? अरे वो जो तुमने मुझे गधा, कमीना, नालायक, कुत्ता, सुअर, हाँ हाँ वही सब, ये दोस्त ही तो है यार। तू परेशान क्यों हो रहा है? मीना, दवाई टाइम से लेना है और सर पे पानी मत डालना। मैं चलता हूँ, ठीक है? बाय बाय बाय, सी यू, बाय बाय। अच्छा चलता हूँ, बाय 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 बाय। क्या, अरे ऐसे क्या देख रहे हो, घर नहीं जा रहे क्या? चलो 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 चलो। तू वहाँ काम की बात करने गया था ना, फिर मीना से इतना हंस के क्यों बात कर रहा था? और वो क्या बोल रहा था तू? दवाई ले लो, सर पे पानी नहीं पड़ना चाहिए। ये कौन सा काम था भाई? और वो लड़की भी बड़ी शर्माती हुई तुझे कुत्ता, कमीना, सुअर, पता नहीं क्या क्या बोलती रही, और तुझे बुरा नहीं लगा? यार तेरे दोस्त हैं हम, जैसे तूने उससे दोस्ती की मेरा तो डर के मारे दिल बाहर आने लगा था। मैं दिखने में हट्टा कट्टा हूँ लेकिन मैं मार नहीं खा सकता यार, अपने बारे में नहीं तो कम से कम हमारे बारे में तो सोच ले यार मेरे। मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ मेरे भाई। अरे इसमें डरना क्या है यार, फ्रेंडशिप की है, कोई पाप थोड़ी किया है। लगता है इसने पहले से ही फैसला कर लिया है कि ये खुद भी फंसेगा और हमें भी फंसवाएगा। भाई ऐसा दोस्त किसी को ना मिले। चलो यार हम लोग चले। तू बहुत गलत कर रहा है यार। कैसे दोस्त हो तुम लोग? देखो भाई, मेरे मालिक क्या फर्स्ट क्लास लग रहे हैं, बिल्कुल एक राजा बेटा की तरह। हाँ यार, इनकी पर्सनैलिटी क्या हैंडसम है यार। चढ़ाओ चढ़ाओ और चढ़ाओ और चढ़ाओ। यार भाभी कैसी दिखती है? वो मुड़ के देखती है ना तो माधुरी लगती है, चलती है तो तब्बू लगती है, और मुस्कुराती है तो बिल्कुल विद्या बालन। मेरे लिए तो वो अप्सरा है। वाह वाह, क्या बात है, शादी के चक्कर में आप तो कवि बन गए मालिक। भाई आपको पता है आपकी शादी कहाँ होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? मैं बताता, मालिक की शादी ताज होटल में। नहीं नहीं नहीं, वहाँ नहीं, शादी तो ताज महल में होनी चाहिए। ताज महल में? अरे वहाँ तो मुमताज का मकबरा है यार। अरे भाई वो दुनिया का सातवां अजूबा है यार। अरे मालिक, आपकी शादी होना क्या अजूबे से कम है? चुप चुप चुप, चलो लड़की का घर आ गया। पिताजी। कावेरी कैसी हो? ठीक हूँ पिताजी। क्या हुआ बेटी? देखिए कौन मिलने आया है। नमस्ते पिताजी। नमस्ते, आइए आइए बैठिए। अरे पिताजी आप लेटे रहिए, हम ऐसे ही बात कर लेंगे। बेटा जी, कावेरी ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है, इसीलिए मुझे तुमसे बात करनी थी। अब मैं ज्यादा दिन तक जीने वाला नहीं हूँ बेटा, ऐसा हमारे डॉक्टर का कहना है। मतलब आप कहीं बाहर जाने वाले हैं क्या? अरे कैसी बात कर रहे हैं पिताजी, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे बेटा मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ और ना ही मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत कम समय रह गया है।
जाने से पहले मैं अपनी बेटी की शादी देखना चाहता हूँ। पिताजी सही बोल रहे हैं, जैसे पिक्चर में डॉक्टर मरीज के इलाज के बाद हाथ खड़े कर देते हैं ना, वैसे ही उन्होंने पिताजी के लिए भी बोला है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो कावेरी, कुछ दिन क्या, मैं इससे अभी शादी कर लूं। मैं सच बता रहा हूँ, कावेरी को ऐसे नहीं देख सकता। आप बिल्कुल चिंता मत करिए पिताजी, मैं सब संभाल लूंगा। आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। चलो रे। हाँ भाई, क्या हुआ? तूने पांडे की हिम्मत देखी? शिवा के बेटे से मेरी बेटी की शादी करवाना चाहता है। भाई शिवा को भी खत्म करेंगे और पांडे को भी खत्म करेंगे। अरे बस अब छोड़ यार। मेरी बेटी शादी के लायक हो गई और मुझे पता ही नहीं चला। वो तो जब पांडे रिश्ता लेके आया तब मुझे एहसास हुआ कि अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है। भाई आपके दिल की बात सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। कितने माँ बाप अपनी बेटियों को सड़क पर छोड़ देते हैं, और आपने अपनी साली को सगी बेटी की तरह पाला। ये करने के लिए बहुत जिगरा चाहिए भाई। हे, हम किसके लिए कमाते हैं? मेरे लिए भाई। चल हट। हमारे लिए तो है। अपनी बेटी के लिए भाई, कमाते हैं। आपकी बेटी के लिए। हाँ, मेरी बेटी रानी की तरह रही है और रहेगी। हाँ। ए पांडे। हाँ जी। यहाँ पे ये 120 क्या लिखा है? चलो रे। हम खिलाड़ी हैं और हमें कोई खेल सिखाए, ऐसा हो सकता है क्या? क्या पता भाई, कहीं तू तो कोई खेल नहीं खेल रहा। भाई आप भी ना बहुत मजाक करते हो। भाई वो देखो कौन आ रहा है। नमस्ते सर। आओ आओ इंस्पेक्टर, आओ। बिना काम के तो तुम यहाँ आओगे नहीं। सर एक बहुत जरूरी बात है, आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ? कोई बात नहीं, ये सब अपने हैं, तुम बोलो। सर वो ऑफिसर गायब हुआ है ना, तो उसकी बीवी ने कंप्लेंट किया है, अब क्या करना है? अरे आदमी गायब होगा तो कंप्लेंट तो होगी ही ना, हम ऑफिसर को ढूंढ रहे हैं, बोल देना चाहिए था। क्या यार पांडे, अब ये छोटी छोटी बातें भी मुझे ही बतानी पड़ेंगी, तो फिर ये ऑफिसर किस काम के? सर केस बहुत सीरियस बनता जा रहा है। हाँ तो सीबीआई के हाथ में गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सीबीआई ना, मैं संभालूंगा, तुम जाओ। ठीक है सर, तो हम चलते हैं। सुनो इंस्पेक्टर, एक अच्छा सा दिन देखकर, वो मणि है ना, उठा ले उसको। वो भी काम मैं करूँ? हाँ मणि का काम तुम खत्म करो और तुम्हारा प्रमोशन मैं करवाऊंगा। क्यों रे राजू? हाँ सर। तुम बोल सर, कमिश्नर बना दो इसे। अब भाई आप चाहो तो आप इनको डीजीपी बना दो। क्या बोला तू? इनको डीजीपी बना सकते हैं आप? ले फिर तू बन गया, इसने बोला ना तो तू बन गया। सर आप है ना राजू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चलता हूँ। हाँ भाई, इससे संभल के रहना, समझाना। समझता हूँ भाई। इस पे भरोसा मत करना, ये हमारे साथ कभी भी डबल गेम खेल सकता है। हाँ भाई सब पता है। ध्यान रखना और जल्दी माल गाड़ी में लोड करो, मैं इधर ही हूँ। अरे इन ईंटों को अंदर रखने को कहा था, तुम लोगों ने बाहर छोड़ दिया। चलो अंदर रखो, अंदर रखो। काम के ना काज के। ए जल्दी आओ, इसे अंदर रखो, चलो। क्या शरारत, क्यों बुलाया? इतनी देर क्यों लग गई तुझे? अरे यार घर पे कुछ काम था। बाकी लोग कहाँ हैं? घर पे गया था उनके, लेकिन कोई नहीं मिला घर पे। कितनी मुश्किल से आज तो एग्जाम दे के आई हूँ मैं, पता है? पता नहीं पास होंगी कि नहीं। मीना तेरा एग्जाम कैसा? एक तो साइकिल चलाने इनको आती नहीं है, ऊपर से ये लोग डबल सीट पर आ रहे हैं, बताओ। मुझे दीदी के साथ मंदिर जाना है। अरे रे 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 अरे अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? साइकिल चलाने नहीं आती तो चलाता क्यों है? फालतू में इन लोगों को चोट लगा दी, दिखा नहीं क्या लाना था तुझ पे? ए पागल, तू तो साइकिल ठीक से चला सकती थी, ये क्या किया? वो क्या है, मेरे दोस्त की गलती की वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। नहीं तुम्हें माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। नहीं नहीं आई एम सॉरी। नहीं मैं माफ़ी चाहती हूँ। कौन से तारे जुड़ रहे हैं दोनों के बीच में? तू सुधरेगा नहीं ना, मुझे लग रहा है तेरा दिमाग खराब हो गया। अभी कब समझेगा तू? चल निकलते हैं वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ। नहीं पहले तुम लोग निकलो फिर हम चलेंगे। नहीं नहीं पहले तुम लोग जाओ। ठीक है। अरे क्या पहले तुम लगा रखा है? मर जाएगा मैं। नहीं समझना। नहीं मैं नहीं समझूंगा। मैं भी नहीं समझूंगी। कल फिर से मैं टकराना है। ये मैं अभी कैसे बता दूं? ठीक है मैं चलती हूँ। अबे कर क्या रहा है तू? वो गलती सारी तेरी है। हाँ हाँ तुझे तो पता ही है, मैंने तो सिर्फ माफी मांगी है। मेरे भाई अगर यहाँ पे कोई और होता ना, उसे तुरंत पता लग जाता कि गलती किसकी है। चुप हो जा,
मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ भाई, अब तुम दोनों ही हो इसके साथ, ये तो गया काम से। कैसे हो मणि भाई? मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया ऑफिसर? उस ऑफिसर के बारे में बात करने के लिए आया। ऐसी कौन सी बात करनी है? शिवा भाई ने ऑफिसर के साथ क्या किया है पता है ना तुमको? क्यों, तुम्हें नहीं पता? हाँ मुझे तो पता है। जानते हो तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते? गन है ना, पावर भी है, जाओ गिरफ्तार करो। तुम पुलिस हो, गवाह तो कोई भी मिल जाएगा। अरे भाई पुलिस ही गवाह बन गया तो कौन सुनेगा? पूरी पब्लिक गवाही दे दो बात है, यहाँ कोई गवाही देने को तैयार है बताओ? इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस कंप्लेंट पे एक साइन कर दो, फिर देखो मैं शिवा की कैसे वाट लगाता हूँ। एक बार अंदर गया तो वापस कभी नहीं आएगा। मैं हूँ ना मनी। तुम तो रहोगे ऑफिसर, मुझे क्या तुमने बेवकूफ समझ रखा है? आज मुझे बुला रहे हो, कल इसे बुलाओगे, परसों उसे बुलाओगे, गवाही के लिए इसे भी बुला लेना। ऑफिसर जो ये तुम्हारी चालाकी है ना, ये मुझ पे नहीं चलने वाली, जाके खुद पकड़ लो। नहीं भाई एक बार मेरी बात तो सुनो, मेरी और शिवा की दुश्मनी के बारे में पूरा गाँव, पूरा डिपार्टमेंट और तुम भी तो जानते हो, तुम्हें नहीं मारना तो मत मारो, मेरे हाथों तो वो मरने वाला है, हम दोनों में से किसी एक का मरना तय है, तब दिखाना तुम अपनी बंदूक, अभी निकलो। यार वो बोलता है इसे मार, ये बोलता है उसे मार, मैं फालतू में फंस गया। अब आप क्या करोगे सर? लगता है मुझे ही ट्रांसफर लेना पड़ेगा। निकलते हैं यहाँ से। लड़की का क्या नाम बताया था आपने? गोदावरी। चाहो तो लड़की से अंदर जाके मिल सकते हैं। मुझे देखने की जरूरत नहीं है, पर मेरा भाई देखना चाहता है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो आप लोग मिल लो। जा अंदर जा। ए तू भी जाना। मैं भी। हुआ? कुछ गड़बड़ है क्या भाई? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मालिक लड़की को देखकर तो लग रहा है कि वो कभी भी टपक सकती है। ओ, ये तो खुशी की बात है। हाँ मालिक, मैं भी तो वही बोलना चाह रहा था। मेरे भाइयों को लड़की सच में बहुत पसंद है भाई, तो अच्छा दिन देख के मुहूर्त निकाल लेते, बहुत धूमधाम से शादी होगी इसकी। हो गया अपना काम। कौन हो तुम लोग? अरे चल 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 वो लोग कौन थे? पता नहीं। तुमने पहले उन्हें देखा है कभी? नहीं देखा है कभी? नहीं मैंने उन्हें नहीं देखा। अरे यार जाने दे शरद, चल 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 चलते हैं, चलते हैं यहाँ से। हाँ यार चलो चल जल्दी, चलो यहाँ जल्दी चलो। अरे ये सब यहीं बैठे हैं, गाड़ी रोक रोक जल्दी। मेरी हिम्मत जाते हो मेरी बेटी को हाथ लगा पकड़ के रोक जाऊंगा। और चलो साले, तूने मेरी बेटी को उठाने की हिम्मत कैसे की? तुम लोगों का झगड़ा मेरे से था ना, मेरी बेटी को क्यों बीच में लेके आया? शर्म नहीं आती तुझे? झगड़े के बीच में लड़की को घुसेड़ रहा है। चलो यहाँ से। मेरी जिंदगी क्या होने थी और क्या हो गई? क्या सोचा था कि मुझे आपसे और ये कुंडली और दोष के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है इससे शादी करके, ऐसे पति पाकर क्या ये बच्चे की जान लेगी? चलो इधर।
अरे मालिक क्या चल रहा है? ज्योतिषी ने तो 4 दिन की शादी बोली थी और आपने तो 1 दिन में निपटा दी। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे मालिक ऐसा क्या हो गया? तुझे क्या बताऊँ क्या हुआ है? अजी सुनते हो? हाँ? अब आपको और दुकान को संभालने के लिए मैं आ गई हूँ ना। मैं हूँ ना आपके साथ। अब इन फालतू लोगों को मुँह लगाने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए अंदर उठिए, चलिए आराम से। बेटा तू किसी को कुंडली मत दिखवाना। आइए। अरे बाप रे, तुम क्या जानो बेटा, हम भी कुछ कम नहीं है। था, कुछ बात करनी थी, क्या हुआ? अरे यार वही जो सबको होता है। क्या बुखार? अरे नहीं यार, मुझे मीना से प्यार हो गया। नहीं नहीं नहीं, तू मजाक कर रहा है ना। गांव में हजारों लड़कियां हैं पर प्यार करने के लिए तुझे मीना ही मिली। हाँ गांव में होंगी हजारों लड़कियां लेकिन मीना जैसी कोई नहीं। प्यार करने लायक तो सिर्फ एक ही लड़की है, वो है सिर्फ मेरी मीना। ए, तुझे पता है ना उसका जीजा कौन है? तूने रोमांटिक मूवीज नहीं देखी है? हाँ देखी है। तो उसमें अक्सर प्रेमियों को उनके दोस्त मिलाते हैं। हाँ बेटा, अगर हमने तेरी मदद कर दी ना तो हमारे कान आँख और ये पैर जगह पे नहीं रहेंगे। तू हमारी बात समझ क्यों नहीं रहा है यार? अब तो कुछ नहीं हो सकता यार। मतलब तू बात नहीं मानेगा? बिल्कुल नहीं। तो भाई तू अपनी दोस्ती अपने पास रख, मैं चलता हूँ। अरे आज तो तू घर से जल्दी निकल गई। अरे माँ ने आज घर के सारे काम कर दिए। अरे मेरे पापा तेरे पापा जैसे नहीं है, पहले मुझे खाना खिलाते हैं फिर मुझे डांटते हैं। तुझे तो खाने से पहले ही डांट पड़ जाती है। वैसे घर में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, ए रुको 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 रुको, क्या बात है, हमें क्यों रुकाया? पता है तुमने क्या किया? हमने क्या किया? ए, तुमने पागल क्या, किया? क्या दिमाग खराब हो गया कि तुम लोगों का? ए, तुम्हारे बारे में नहीं है, तुम जाओ। ए शरद इधर आ, चुप। अबे आना। अरे यार मेरे दोस्त को तुमसे कुछ कहना है, चल बोल। मेरे सपनों में तुम, मेरी धड़कन में तुम। लो सुनो, सपने में तुम, धड़कन में तुम, बाथरूम में तुम, खाने में तुम, सोने में तुम। हे भगवान, इस लड़के का क्या होगा? अब जो भी है आपस में बात कर लो। ये तो गया काम से। अरे चलो 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 घर जाओ। ए चल हम लोग भी चलते हैं। तेरा जादू मुझ पे यूं छा रहा, हो गया हूँ दीवाना तेरा मैं। तेरी बातों का नशा यूं छा रहा, हो गई हूँ दीवानी तेरी मैं। तेरे संग संग मुझे जीना है यहाँ, मिल के बसाएंगे हम आशियाँ। ओ तेरी खुशी मेरा जहां, ओ अब तो मेरा आसमां। तेरा जादू मुझ पे यूं छा रहा, हो गया हूँ दीवाना तेरा मैं। लगा हूँ यादों में, अब ना चैन है ना है सुकून। पहली दफा कुछ हो रहा, बस में नहीं है ये दिल मेरा। तेरी आंखें तेरी बातें तेरी हंसी मुझे घायल बनाए, तेरी दिल लगी। तेरा हाथ
तू है मेरी, मैं हूँ तेरा। तेरी बातों का नशा यूं छा रहा, हो गई हूँ दीवानी तेरी मैं। चुपके से कहती हवाएं तितली बन के आई है, तेरा सुरूर यूं छा गया। जादू तेरा, नशा तेरा मुझ पे चला, तेरी आदत हुई ये कैसा सिलसिला। जादू तेरा, नशा तेरा मुझ पे चला, तेरी आदत हुई ये कैसा सिलसिला। तेरा जादू मुझ पे यूं छा रहा, हो गया हूँ दीवाना तेरा मैं। तेरी बातों का नशा यूं छा रहा, हो गई हूँ दीवानी तेरी मैं। तेरे संग संग मुझे जीना है यहाँ, मिलके बसाएंगे हम आशियाँ। ओ तेरी खुशी है मेरा जहां, ओ अब तू मेरा आसमां। ओ तेरी खुशी मेरा जहां, ओ अब तू मेरा आसमां। मालिक आपका मेरे से प्यार करते थे ये बिल्कुल सच है, शादी भी करना चाहते थे लेकिन हुआ उल्टा, आपकी कुंडली में ये दोष वो दोष की वजह से आपको शादी करनी पड़ी और आपने ज्योतिष की सुन ली, इसीलिए तो जब मरने वाली थी उससे आपकी शादी करवा दी। लेकिन आपकी अच्छाई की वजह से भाभी जी की जान बच गई और अब भाभी जी बिल्कुल ठीक है। आपने जिसे अपनी जिम्मेदारी समझा था उस जिम्मेदारी को मैंने संभाल लिया और सिर्फ आपके लिए मैंने कावेरी से शादी कर ली। कावेरी मालिक से आशीर्वाद ले लो। मालिक हमें आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो खुश रहो। भाभी हमें आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो खुश रहो। तो हम चलते हैं, हम चलते हैं मालिक। चलो कावेरी। जी आ गए। ये देखो ये मैथ का ही क्वेश्चन है ना, इसको ठीक से समझना। ठीक है मीना, यहाँ क्या कर रही हो? अरे मैडम आप, मैं इसको एक मैथ का सम समझा रहा था इसको। बस बेटा पढ़ाई बहुत हो गई, गाड़ी में बैठो, दीदी खाने पे वेट कर रही है। और शरद हिसाब हिसाब बराबर रखते हो ना? सब आपकी कृपा है। पढ़ाई पर ही ध्यान देना, कहीं और नहीं। मैं समझा नहीं। अब चल, तू जो मीना के साथ इधर उधर घूमता है ना, तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं है? नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ रहना है ना तो अपनी औकात में रहना, औकात से बाहर जाने की कोशिश मत करना। सुन शरद, तुमने मेरी बहुत मदद की है इसीलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। तेरी जगह कोई और होता ना तो उसकी हड्डी पसली एक कर देता। दोबारा मत करना, समझा? हाँ ठीक है तू जा। नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। क्यों रे? अच्छ।
और जवानी चाहिए। अच्छी तरह से मसाज करो। अरे छोड़ो भैया, हमें आज के बाद मणि भाई की बेटी के आसपास भी दिखाई दिए ना तो चीर दूंगा। ये बात दिमाग में बैठा के रख लो, चलो निकलो यहाँ से, चल निकल। और तू बहुत शौक है ना तुझे लड़के लड़कियों को मिलाने का, आज के बाद तू यहाँ दिखा ला तो देखना, चल निकल। शरद, उस दिन जीजा जी से क्या बात कर रहे थे? ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, जाने दो। अरे क्या जाने दो कह रहे हो, उस दिन मैंने तुमसे बात क्या कर ली? जीजा जी इतने गुस्सा हुए थे कि वो मैं ही जानती हूँ। मीना तुम अपने जीजा से डरती हो क्या? इसमें डरने वाली क्या बात है? शरद मुझे डर लग रहा है, कहीं जीजा जी को सब कुछ पता तो नहीं चल गया? उन्हें पता चल गया है, अब डरने का क्या फायदा? क्या बोल रहे हो, हे भगवान, अब मैं घर पे कैसे रहूंगी? मीना तुम डर क्यों रही हो, घर पे कभी ना कभी तो पता चलने वाला था ना, तो आज लग गया, इसमें डरने वाली क्या बात है? अब बैठो आराम से। शरद क्या तुम्हें थोड़ा सा भी डर नहीं लगता? तुम जानते नहीं हो मेरे जीजा जी को, अगर उन्हें हमारे बारे में पता चल गया ना तो वो पूरे परिवार को खत्म कर सकते हैं। मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता है। मुझे कुछ नहीं होगा, डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाई तुम तो रहोगे, क्या हुआ? हम नहीं जिंदा रहने वाले। मैंने उस दिन कहा था कि मणि भाई इंसान नहीं जल्लाद है। तेरे प्यार के चक्कर में सोचा था कि इसका जीजा खिलाफ होगा, लेकिन यहाँ तो पूरा गाँव ही दुश्मन है। शरद ये लड़की तुझसे बहुत प्यार करती है, तू सच में बहुत लकी है। बहन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब तुम्हारे जीजा आया, कोई भी आए, हम सबसे लड़ लेंगे। शरद उतार, चलो उतार। ए, तुम लोग जाके काम करो। जी। चल अंदर। क्या हुआ जी, इसे ऐसे क्यों लेकर आ रहे हैं? क्या आज तक इसके परवरिश में कुछ कमी रखी? नहीं तो क्यों? पूछो इसे। मीना हुआ क्या है, रो क्यों रही है, बताएगी? ये क्या बताएगी, वो पास में रहता है ना माधव शास्त्री, उसके बेटे से दिल लगा बैठी है। ये क्या बोल रहे हैं आप? ए मीना इधर आ। एहसान फरामोश करेंगे, इसी दिन के लिए इन्होंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया था। अच्छा है हमारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, बिन मांगे तुझे आज तक सब कुछ मिल गया, इसलिए तेरा दिमाग खराब हो गया। दुनिया में जीजा साली को घर वाली बनाता है या फिर रखेल, और इन्होंने तो तुझे बेटी बनाकर रखा, और तूने इनके प्यार के बदले क्या दिया? पूरे गांव में तूने इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। जो आदमी कल तक पूरे गांव में सर उठा के चलता था, तेरी वजह से आज उनका सर झुक गया। तू पैदा होते मर के नहीं। मेरी बेटी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। मीना तुम्हें बचपन में जो भी चाहिए होता था मुझे पता लग जाता था, इस उम्र में बच्चों से नादानियां होती रहती हैं। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये उम्र की गलती है। मेरे जैसे कितने माता पिता हैं जो बच्चों पे भरोसा करते हैं और बच्चे उसे तोड़ देते हैं। अब अंदर जाओ, वापस ये गलती नहीं होनी चाहिए। उसका सत्यानाश हो जिसने मेरी बेटी की ऐसी हालत कर दी। अब ऐसे रो के क्या फायदा, मैंने तो पहले ही कहा था, पूरे गांव में घूमना, मोबाइल पर बात किया करना, आए दिन आवारा गर्दी करना, बिना काम के दोस्तों को लेकर बाइक पर पूरे गांव में घूमते फिरना, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। कितना समझाया था तुम्हें अपने बेटे को संभालो, लेकिन तुमने मेरी सुनी ही नहीं। मेरा बेटा करती रही, देखो क्या हो गया, देखा देखा क्या हाल हो गया इसका, लेकिन सुनना कहाँ है, अब भुगतो। हाँ हाँ, दुनिया में सारा पाप तो मेरा बेटा करके आया है। अरे ये अकेले पीछे पड़ा था क्या उसके, वो भी तो इसके पीछे पड़ी थी। देखो मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया उन गुंडों ने, यही उनकी बेटी के साथ करते तो उनको तकलीफ नहीं होती। हम गरीब है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ बोल नहीं सकते। अरे अब तो सुधर जाओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो मैं कह रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम्हें? अभी तो मेरी बात सुनो, अगर ये शांति से नौकरी पे लग जाता, दो पैसे कमा लेता, हमारी पसंद की हुई लड़की से शादी कर लेता, आराम से अपनी घर गृहस्थी संभालता, ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत थी? शरद शरद मेरी तरफ देख बेटा, बेटा उठ बेटा, मेरी बात सुन, इधर देख बेटा, मेरी तरफ देख तो। बोलिए पिताजी, बोलिए पिताजी। बेटा सुन,
ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़, मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे मामा ने तेरे लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ ली है, तू बस वहाँ जा और नौकरी कर, अच्छे से जिंदगी बिता। तब तक मैं और तेरी माँ ये घर बेच के अपना सारा सामान लेके तेरे पास आ जाए, समझ में आया? बेटा, तेरे पापा जो भी कह रहे हैं उनकी बात सुन, तू हमारा इकलौता बेटा है, हम तुझे खो नहीं सकते बेटा। तेरे पिताजी तुझसे बहुत प्यार करते हैं बेटा, वो जब जब डांटते थे मैं तुझे तब तब बचाती थी। मेरे बेटे, तू ही तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, तुझे कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? यही बात वो भी बोलती है माँ, मैंने तो बस प्यार किया था, ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो हमें सजा दे दी? मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ माँ, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा माँ। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या दिखा रहा है तू? बेटा, बेटा मेरी बात सुन बेटा, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझने की कोशिश कर बेटा। अरे उस लड़की को तू भूल जा बेटा, मैं तुझसे भीख मांगता हूँ बेटा, ऐसा मत कर तू अपने साथ बेटा, भूल जा उस लड़की को, भूल जा। जी, इसके अलावा आप मुझसे जो भी बोलोगे मैं वो सब मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसको भूल जाना मेरे हाथ में नहीं है पिताजी। भगवान, अरे तुझे क्या हो गया, इतनी अर्जेंसी में क्यों बुलाया था? तुम लोग शरद से मिले क्या? हाँ, मिले थे। वो कैसा है? वो कैसा रहेगा? जैसी तेरी हालत है वैसी उसकी हालत है, मुझे उससे मिलना है, प्लीज मुझे उससे मिलवा दो प्लीज। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, तेरे जीजा जी को पता लग गया ना तो हमारी खैर नहीं। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो, कल मेरी सगाई है, अगर मैं किसी और की हो गई तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। जाओ जाकर बता दो उसे, किसी और को दिल में रख के किसी और से शादी करना, ऐसा रिश्ता मैं नहीं जोड़ सकती, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं जीते जी मर जाऊं। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? अच्छा अच्छा ठीक है, रो मत, मैं तुझसे बात करवाती हूँ। पता है जीजा जी ने मुझसे मेरा मोबाइल भी छीन लिया। अच्छा एक काम कर, ये ले मेरा मोबाइल रख और इसे साइलेंट मोड पे रखना, मैं उसे बोलती हूँ तुझे कॉल करने के लिए, ठीक है? चलती हूँ। ए याद से उसे बात करवा देना। ओके। कहाँ है साहब, मर गए क्या? क्या हुआ भाई? कल सुबह मंगनी है, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम लोग ध्यान रखना, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है। ए इधर आओ रे। जी भाई। सब लोगों ने ध्यान से सुना कि मनी भाई ने क्या कहा? अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई ना तो हमें जान से मार डालेगा। अरे कुछ बोलोगे भी? हाँ भाई, घर में सगाई है, थोड़ा तो बनता है ना। मैं ध्यान रखने की बात कर रहा हूँ और इसको पीने की पड़ी है। भाई मनी भाई हमें बोल के 8 बजे सोने चले गए, भाई पीने के बाद रात भर कोई शराबी सोता है क्या? तो तुम पीना चाहते हो? हाँ भाई, सबका कहना है। अच्छा तो ठीक है, ये लो। अरे यहाँ तो भाई ने पहले ही तैयारी कर रखी है। क्या बात है भाई, क्या बात है, आपने कमाल कर दिया। जा रुक जा, सब मिलकर पियेंगे। हाँ भाई, हाँ, बाट लो बाट लो। अरे सुनिए, मीना कहीं चली गई है। अरे कहाँ मर गए तुम लोग? अरे क्या हुआ भाई, क्या हुआ? अरे कुत्तों पूछ रहे हो क्या हुआ? मीना कहीं चली गई है, ढूंढो जाके, ढूंढो उसे, जा। वो नहीं मिली ना तो एक एक को देख लूंगा, जाओ जल्दी। हे इधर आओ, तुम क्या घोड़े बैठ के सो रही थी? एक छोटा सा काम दिया तो भी नहीं हुआ तुमसे, तो क्यों नहीं मर जाते? तुझे कितना समझाया था उसे, संभाल के रख, ध्यान देना चाहिए था उस पे, जा मर जाके। ए मिली क्या भाई? हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली। हर जगह ढूंढ लिया, हर जगह ढूंढ लिया भाई। भाई मुझे लग रहा है ये पांडे का काम है, पक्का शिवा का आदमी मीना को उठा कर लेकर गया होगा। तो सोचना क्या है, उसके घर जाके सबको खबर दे, चल गाड़ी निकाल। ए शिवा, हट, शिवा किस फिल्म में छुपा है?
आजा आजा बस करो रे। ए शिवा, जो भी झगड़ा था तेरे मेरे बीच में था। हाँ तो ये बात पूरे गांव को पता है, पर तुम यहाँ आके मारामारी क्यों कर रहे हो? मैं जान ले लूंगा। यहाँ चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पांडे तू तो बता, मेरी बेटी को उठाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? बंद कर। तुम्हारी बेटी उठा के मैं क्या करूं? और पांडे भी ऐसा काम नहीं कर सकता, मुझे पता है। अपनी बेटी को जाके कहीं और ढूंढ, जा जल्दी जा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भाई, भाई, भाई मेरी बात सुनिए भाई, आपकी बेटी को इसने नहीं उठाया, वो लड़का उठा कर ले गया, मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई। चलिए चलिए साथ में चलिए भाई। याद रख शिवा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जा जा, बहुत देखे तेरे जैसे। चलो रे, कहाँ है तेरा बेटा, कहाँ छुपा के रखा है उसे? कोना छान ला। बेटा तेरा बेटा कहाँ है, जल्दी बता। जान से मार डालूंगा। कहाँ है तेरा बेटा? मेरे बेटे जानती है ना, बस करो बस करो, नहीं मर जाएगा। कुछ नहीं किया। चुपचाप बता दे तेरा बेटा कहाँ है। ए, अपने धर्म में बाप के मरने पे बेटा चिता को अग्नि देता है, लेकिन यहाँ पे बेटे की चिता को बाप अग्नि देगा। भाई इसे खत्म कर देते हैं। अग्नि देने के लिए बाप का जिंदा रहना जरूरी है। चलो रे। ये देखो क्या हो गया, सब तुम्हारी वजह से हो गया, सब तुम्हारी वजह से हुआ। कितनी मुश्किल से ऐसे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, लेकिन क्या मिला? मैं हमेशा कहता रहा कि ये गलत रास्ते पे जा रहा है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देखो घर का क्या हाल हुआ है। आज तुम्हारे बेटे के चक्कर में घर में गुंडे आ गए। सोचो हमारे बेटे का वो पता नहीं क्या हाल करेंगे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। माफ कर दीजिए जी। बेटा तूने ये क्या कर दिया, सारी मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे नहीं पता। और वो मेरी बेटी को भगा के लेके जाएगा। ससुर बेटा कहाँ पे है बोलो, वरना तुम सब में से कोई जिंदा नहीं रहेगा। बोल, बोलता क्यों नहीं? हमें कुछ नहीं पता भाई, हमें नहीं पता। मैं सच बोल रहा हूँ, नहीं पता। तुम लोग को पड़ेगा, किसी को नहीं पता। रहना चाहता तो बता दे भाई। बोल, बताओ भाई, बताओ। वो पहाड़ी की तरफ गया, पहाड़ी की तरफ। चलो रे। ये क्या किया तूने? दोस्ती के नाम पे लोग अपनी जान दे देते हैं, और तूने गद्दार कहीं का की क्या दिया तुझे बता रही हूं साले, काले गद्दार। मैंने कुछ नहीं बोला भाई, अरे कुछ नहीं बोला भाई। भाई सर बीड़िया क्या? ए सर, मैं कब से बीड़ी मांग रहा हूँ, दे दो ना। है चुपचाप बैठ जा। सर जो हम मांगेंगे वो आपको देना पड़ेगा, आखिर कानून हम भी जानते हैं। चुप बैठेगा कि नहीं? तू हमें कानून के बारे में सिखाएगा? तुम लोग ने जो काम किए है ना, उसके बाद तो है कॉन्स्टेबल, बीड़ी दे दो इसे, जल्दी चलो। जल्दी में क्यों बुलाया मुझे?
भाई अब चिंता मत करो, ये हमारा एरिया है, इसे कहीं भी छुपने दो, अब चुटकी में ढूंढ के उसे निकालेंगे। गाड़ी निकालो। अरे चलो चलो चलो। काम मैंने दिया तो वो तो तू कर नहीं पाया, अब मेरे पीछे मत आना, तुम लोग यहीं रुको, अगर वो नजर आया तो तुम लोग उसके टुकड़े टुकड़े कर देना, तब मुझे मिलना, समझ में आया? ए चलो। प्यार ये कभी नहीं झुकता, प्यार दुनिया से नहीं डरता, कांट से भरा है रसदा, प्यार पे जोर नहीं चलता, जिंदगी की ये कहानी, इश्क की है यही रवानी, जीना मरना है संग में, रह गए लोग देख दंग में, हम सफर हम गुजर ये है, प्यार के रह गुजर ये है, नफरत से बड़ी है इनके प्यार की ये कहानी, दुनिया की नफरत से बड़ी है इनके प्यार की ये कहानी, प्यार ये कभी नहीं झुकता, प्यार दुनिया से नहीं डरता, कांट से भरा है रसदा, प्यार पे जोर नहीं चलता। का साया इन बिछ रहा, रास्ता काटो भरा वो देखो आ रहा, दुआ करूं अब मैं के ही, सब जीत हो प्यार की, चाहे जीना हो या मरना, संग संग जीना मरना, खुशी मिले या फिर मिले गम, फिर भी ना जुदा होंगे कभी हम, ए खुदा तू रहम कर, इन पे ना तू सितम कर, प्यार इनका अमर कर, पूरा इनका सफर कर, हम सफर हम गुजर हैं, प्यार में रह गुजर हैं, प्यार ये कभी नहीं झुकता, प्यार दुनिया से नहीं डरता, कांट से भरा है रसदा, प्यार पे जोर नहीं चलता। जीतनी है प्यार की, जान की और इस जहान की, चाहे दुनिया खिलाफ हो, चाहे रिश्ते खराब हो, रुकेंगे नहीं झुकेंगे, अपनी मंजिल पे चलेंगे, जिंदगी भर साथ रहना है तुम्हें ये कसम खाना, खुशी मिले या मिले गम, फिर भी जुदा ना होना तुम, ऐ खुदा तू रहम कर, इन पे ना तू सितम कर, प्यार इनका अमर कर, पूरा इनका सफर कर, प्यार ये कभी नहीं झुकता, प्यार दुनिया से नहीं डरता, कांट से भरा है रसदा, प्यार पे जोर नहीं चलता, जिंदगी की ये कहानी, इश्क की है यही रवानी, जीना मरना है संग में, रह गए लोग देख दंग में, हम सफर हम गुजर ये है, प्यार के रह गुजर ये है, दुनिया की नफरत से बड़ी है इनके प्यार की ये कहानी, प्यार ये कभी नहीं झुकता, प्यार दुनिया से नहीं डरता, कांट से भरा है रसदा, प्यार पे जोर नहीं चलता। संभल के मीना, संभल के। अरे यार आजकल अपना काम चल ही नहीं रहा है। हाँ हाँ, जैसे तो हम गोल्ड बिजनेस करते हैं ना, अपना तो लूटपाट का काम है यार। संभाल के चलो मीना, संभाल के। आजकल हाईवे पर आने वाली गाड़ियों के पास पैसा ही नहीं होता। उनका बस चले तो पैसे हमसे लेकर जाएं। अरे यार ऐसे ही चलता रहा तो फिर हमारा क्या होगा? अरे तू चिंता क्यों करता है, हम लोग है ना कुछ ना कुछ कर लेंगे। मीना संभाल के। मीना शरद, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है क्या? मैं भी वही सोच रहा हूँ मीना। और कितनी दूर चलना पड़ेगा? ए रुक रुक रुक। अरे तू कहाँ जा रहा है? अरे रुकना यार। बस हो गया शरद, अब मुझसे नहीं चला जाएगा। थोड़ी देर की बात है मीना, चलो चलो यहाँ से, चलो मीना चलो। ठीक है चलो, मुझे लगता है यही रास्ता होगा। मीना बहुत थक गए हैं, थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पर। बहुत थक गई हो ना? पकड़ो 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 प
छोड़ दो मुझे, चल चल यार, चल चल चल, छोड़ो मुझे, बड़ी मुश्किल से कोई मिला है, ऐसे कैसे छोड़ दे, ऐसे कैसे छोड़ दे, मेरी मीना को हाथ लगाता है, मीना तुम ठीक तो हो ना, चलो चलो यहाँ से चलो, जल्दी चलो। ए, वो पुलिस वाला कौन है, साला पीछा ही नहीं छोड़ रहा हम लोगों का, जहाँ जाओ वहीं टपक जाता है। अरे यार छोड़ ना, ऐसे कितने पुलिस वाले देखे हमने। सुनो तुम दोनों उस तरफ जाओ और तुम मेरे साथ आओ। हाँ यार, बहुत प्यास लग रही है यार, कहीं पानी मिलेगा क्या? हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ, रुक। वो देख शायद वहां मिल जाए, चल 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 चलते। भाई आपको नींद नहीं आ रही क्या? नहीं मैं ठीक हूँ, तू जाके सो जा। भाई आपकी आंखों में आंसू, अब चिंता मत करो, आपकी बेटी जरूर मिल जाएगी। पता है कितने अनाथ बच्चे होते हैं जो सड़क पर पलते हैं, मेरी साली की बचपन में ऐसी हालत ना हो इसलिए मैंने उसे बेटी की तरह पाला और उसने मुझे धोखा दे दिया एक प्यार के लिए। छी भाई, आपने उसको इतना प्यार दिया लेकिन उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया? भाई सन, एक बार मीना मिल जाए ना फिर उस लड़के की बोटी बोटी कर देना। भाई उस लड़के की वजह से आपकी आंखों में आंसू आए हैं, उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। मीना तुम रो क्यों रही हो? कुछ अरे नहीं। क्या हुआ बताओ तो सही। कुछ भी नहीं, मैंने तुमसे प्यार किया, जीजा जी हम दोनों को मारना चाहते, उन्होंने मुझे बेटी की तरह पाला लेकिन वो मुझे कभी नहीं समझ पाए। शरद शरद हमारा प्यार कामयाब होगा ना? तुम किस्मत पे भरोसा करती हो ना? तो हमारे प्यार पे भी करो, हमें कोई नहीं अलग कर सकता। सर जी क्या है, थोड़ी देर बैठे क्या यहाँ पे? हाँ ठीक है बैठते हैं। अरे इस जंगल में ट्रेन की आवाज कहाँ से आ रही है? ए, सुनना। अरे छी ये तुम्हारी हरकतें हैं। मैं क्या बताऊँ सर, मेरे पिताजी चाहते कि मैं एक दुकान चलाऊँ और आराम से जीऊँ बिल्कुल आपकी तरह, और दादाजी चाहते थे कि मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊं, मुझे यहाँ भर्ती करा के खुद निकल लिए। पर देखो सर मेरी हालत देखो, न कैदी दिख रहे न साथ में आए पुलिस ऑफिसर, न इस समझ में आ रहा है न बस, हम यहाँ जंगल में ऐसे ही भटक रहे हैं। मेरी कटप्पा। ए, अब ये कौन है? मेरी बीवी सर। छी नहीं नहीं सर, वो इतनी अरे चुप कर यार, बहुत अच्छी है। मेरी बीबी मेरे बगैर सो नहीं सकती, खा नहीं सकती, गा नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती सर। सर जी क्या है? जैसे जंगल में शेर होगा, चीता होगा, भालू होगा, वैसे भूत भी होगा क्या? अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने पूछा यहाँ भूत भी होगा क्या? भूत नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था सर। हट्टे कट्टे गबरू जवान है सर। दिखावा है यार। सर जी मुझे तो अभी क्या मार रही है? ये भगवान ये क्या हो गया, इस घने घने जंगल में इस मोटू के साथ क्या फंसा दिया भगवान। सर जल्दी भाग चुके हैं, ये बात अगर ऊपर पता चल गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सर, और तो और दो दिन बाद शादी भी है, अब आप क्या करेंगे सर? ये बताओ तुम्हारे लिए वर्दी क्या है? मेरी यूनिफॉर्म है सर। तुम्हारे लिए यूनिफॉर्म है लेकिन मेरे लिए मेरी जान है। कॉलेज में जब उन लोगों ने उस लड़की का गला काटा ना, तभी उनको खत्म कर देना चाहिए था, गलती कर दी।
सोचा था 5-10 साल की सजा हो जाएगी तो वो लोग सुधर जाएंगे, लेकिन वो हमें ही बना के चले गए। जब तक मैं उन्हें पकड़ नहीं लेता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। चलो ध्यान से जाल बिछाना, कहीं हाथ से निकल न जाए। वो लोग यही आ रहे हैं, तुम लोग तैयार हो ना? चलो 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 चलो। पकड़ो से। चल 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 पकड़ 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 पकड़। कहाँ गए? देखो उधर उधर देख उधर। कहाँ गए? भाई उस तरफ क्या होगा? उधर देखो। किधर? यार इतनी देर से ढूंढ रहे कुछ नहीं मिला। इतनी देर से ढूंढ रहे मिल ही नहीं रहे। हाँ यार कहीं नहीं मिला। हाँ चलो 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 चलो। भाई जंगल तो पूरा छान मारा लेकिन। बकवास मत कर, वो जंगल छोड़ के जाएगा क्या? उसमें इतना दम नहीं है, वो कहीं नहीं जाएगा। चलो ढूंढो उसे। चलो चलो, चलो रे। जी भाई, 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 चलो चलो भाई। चल चल के थक गया सर। सुनो हमने हर तरफ देख लिया, वो इंस्पेक्टर भी नहीं मिल रहा। फोन तो करो ना। अभी करता हूं। जल्दी। फोन लग रहा है कि नहीं? अरे रुके सर, फोन लगा तो रहा हूँ। The number you have dialed is out of service. Out of service? अरे क्या यार, तू हमेशा लड़की की तरह हंसते रहता है। अरे क्या चल क्या रहा है तुम्हारा, कुछ बताएगा? आप सुनोगे? ये लीजिए। डायल किया हुआ नंबर इस समय मौजूद नहीं है। ये नंबर पहुंच के बाहर है, सुन लिया सर आपने? कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक नेटवर्क फ्री मिलता है। मुझे लग रहा है बड़े साहब या तो कश्मीर पार कर गए या फिर कन्याकुमारी, और हमें यहाँ अकेले छोड़ गए। मुझे तो लगता है डर के मारे यहाँ से भाग गए। चुप रह, चुप बैठ। एक बात बता मुझे, तेरे पास ये फोन कहाँ से आया? इनको कहाँ से बताऊँ कि ये फोन चोरों का है। अच्छा तो ये बात है, ये पकड़ो। एकदम बकवास आदमी है ये। सर आपसे तो ये ना हो पाएगा, जल्दी आओ। सर मुझे पता था कि आप मुझे बुलाएंगे। शरद, शरद मुझे भूख लगी है। क्या तुम्हें भूख लग रही है? बहुत भूख लग रही है क्या? ठीक है तुम यहीं रुको। अरे मीना, अरे मीना नहीं, देखो मैं अभी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए कुछ, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तुम यहीं बैठो, मैं अभी लेकर आता हूँ। मैं बस अभी आया, तुम चिंता मत करना मीना। मीना, मीना उठो मीना,
मीना, मीना तुम्हें क्या हुआ? मीना, मीना उठो, मीना तुम्हें क्या हो गया? मीना उठ जाओ जल्दी, कोई आ जाएगा यहाँ पे। तो मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? मैं बस इधर ही था। चलो मीना चलो, यहाँ से चलते हैं। चलो आराम से चलना मीना। ये देखो उस लड़के ने मार दिया हमारे साथियों को। मणि भाई, ओ मणि भाई, वो लड़का देखो वहाँ है, चलो इसको पकड़ते हैं। चलो चलो। क्या बात है भाई, क्यों हंस रहे हो? नहीं सर, मैं कुछ सोच रहा था। ऐसा क्या सोच रहे थे? सर आज तक मैंने बहुत बड़े बड़े ऑफिसर के साथ काम किया है, लेकिन हर किसी ने इसे सिर्फ अपनी वर्दी समझा, लेकिन आप सर। रहने दो, पहली बार किसी ईमानदार ऑफिसर को अच्छे से काम करते देख रहे हो, ये देख के तुम्हें बहुत गर्व हो रहा है क्या? पर इसमें कौन सी बड़ी बात सर है? यही तो बड़ी बात है। बकवास बंद करो और ये बताओ हम यहाँ क्यों आए हैं? सर उन गुड्डों को पकड़ने के लिए। ऐसे बातें करते रहोगे तो हम उनको नहीं पकड़ पाएंगे। चलो इधर देखो, उधर देखो। भाई मैंने कहा था ना कि वो एक एक आदमी को मार रहा है। वो चाहे कितने भी आदमी को मार दे, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो रे, चलो 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 चलो। चलो रे, चलो चलो चलो, उसे छोड़ना नहीं है। ए, चलो उस तरफ ढूंढते हैं। हाँ चलो चलो। कटप्पा, शेर शेर शेर, चीता चीता आए। सोचा शेर और चीता आने वाला होगा, पर ये तो सर जी है। सर जी, अरे वाह सर जी, अरे उड़ते क्यों नहीं हो? भगवान, ये बता मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं सर। अरे आप गुस्सा मत कीजिए, आप जचते नहीं है सर। सर यहाँ पे सोने के लिए थोड़े आए हैं सर, वहाँ देखिए सर। सर क्या क्या क्या? चलो 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 चलो। पकड़ लिया सर, मैंने पकड़ लिया सर, यहाँ आइए सर, मैंने गुंडों को पकड़ लिया सर, यहाँ आइए, अरे सर जल्दी आइए, अरे
मेरे गुंडे को पकड़ लिया। चलो चलो सर। अरे अरे भागो मत, हमारी नौकरी का सवाल है। हमारा है, छोड़ा मत। तुम लोग उसे जाके पकड़ो। हाँ सर। मैं इसे पकड़ता हूँ। तुम लोग बताओ इनका क्या किया जाए? इन्हें जिंदा छोड़ दिया गया तो तकलीफ ही देंगे सर। तो इनका क्या करें? सर इन्हें मार देते हैं सर। तो ठीक है, खत्म कर दो। सर, सर, माफ कर दो। बोलो हाँ, मैं निकल रहा हूँ। जिस काम के लिए मैं आया था वो हो गया, मैं बस अभी आ रहा हूँ। मैंने गलती कर दी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें क्या बोल रही हो? तुमने क्या गलती कर दी? तुम क्यों आए मेरे पास? तुमने मुझसे प्यार क्यों किया? मेरी वजह से तुम खूनी बन गए। क्या इसी दिन के लिए मैंने तुमसे प्यार किया था? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या गलती कर दी हमने? प्यार करना कोई गुनाह है? नहीं शरद, हमारे आसपास बहुत कुछ हो रहा है। तुम देखना जीजा जी हमें अलग कर देंगे। वो कौन होते हमें अलग करने वाले? नहीं शरद, तुम यहाँ से जाओ। तुम अच्छी जिंदगी डिजर्व करते हो। तुम मेरे लिए सब मत करो। तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। मीना, अरे मीना, जाओ, ऐसे मत करो। जाओ, जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा ना। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं भी तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। लेकिन मेरे जीजा जी किसी भी हाल में हमें ढूंढ के मार डालेंगे। वो कौन होते हमें मारने वाले? अगर ऐसी बात है ना तो हम लोग खुद ही मर जाते हैं। तब पता चलेगा कि उन्हें कि हमारा प्यार कितना सच्चा है। आने दो उनको। ए, तुम उससे बचे कहाँ जाएगा? जीजा जी। जला। ए, मारो इसे। मारो। हमारे भाई को बुलाएगा। शरद।
तेरा प्यार मुझसे बड़ा हो गया। भूल गई, मैंने ही तुझे पाल पोस के बड़ा किया और तूने मुझे धोखा दिया। नहीं दीदी जी, छोड़ दीजिए उसे। हिम्मत कुछ नहीं छोड़ूंगा, कुत्तों को खिला दूंगा, मेरी बेटी को बहकाएगा। मत करिए ऐसा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कुछ नहीं किया। अच्छा छोड़ दीजिए। इसी प्यार के लिए तूने मुझे धोखा दिया था ना, इसी हाथ से इसने तुझे छुआ था ना, ये ले, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल हट। जीजा जी शराब। हट। शरद शरद उठो, शरद शरद उठो, शरद शरद तुमने क्यों किया इस? शरद बचाओ, नहीं छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, कोई तो बचाओ, नहीं बचाओ शरद, शरद पेड़ को कितनी बार काटेगा यार, हमेशा एक ही पेड़ के पीछे लगा रहता है, सब के सब एक नंबर के आलसी है। ए, वो देखो यार, चलो 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 चलो। ए, मेरे पास बताना, ए, छूना नहीं, ए, छूना नहीं, ए, छोड़ दो से, ए, बताना, रुको रुको रुको, पास से बताना, छोड़ दो, वरना इसको काट के देखो, छोड़ दो, अरे आदमी को छोड़ दो, पीछे चल, छोड़ो, छोड़ो, अच्छा नहीं होगा, छोड़ दो, उसको वरना तो हमारे पीछे आए, उसने कुछ भी किया तो, अगर मेरे पीछे आए ना तो उसको मार दूंगा मैं, अच्छा ही ना, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, चलो 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 जल्दी चलो, देखो मुझे छोड़ दो, आज तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे ये लोग कहाँ चले गए? पता नहीं यार, अरे यहीं कहीं होंगे, ढूंढो नहीं, ए गोविंदा, वो देखो गोविंदा, गोविंदा, ए गोविंदा, उठो भाई, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। मेरे आदमी को मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मार इसको, मार इसको। शरद, शरद, अब इसको उठा के लेके चलो। हाँ, लेके आओ। हाँ जी, जी। शरद, 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 शरद।
शरद, ये क्या हो गया? मीना, शरद नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। शरद तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। शरद, हमारे प्यार की जीत होगी ना? मीना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी शरद। शरद, मैं आ रही हूँ। शरद, मैं आ रही हूँ। हम साथ में नहीं जी पाए तो क्या हुआ, लेकिन हम साथ में मर सकते हैं।